हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सुमित और मैं स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल सुमित क्रिकेट ड्राइव पर। फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे क्रिकेटर की कहानी जानेंगे जिसने अपने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत एज अ प्योर लेफ्ट आर्म स्पिनर के तौर पर की और जब अपना करियर ख़त्म किया तो एज एन ओपनिंग बैट्समैन के तौर पर ख़त्म किया। और वो खिलाड़ी हैं चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस के नाम से पहचाने जाने वाले रवि शास्त्री। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, रवि शास्त्री का पूरा नाम रविशंकर जयद्रिता शास्त्री है। उनका जन्म 27 मई 1962 को मुंबई में हुआ था। रवि शास्त्री एक लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर और राइट हैंडेड बैट्समैन थे जिन्होंने बैटिंग ऑर्डर में नंबर 10 से लेकर नंबर 1 तक हर नंबर पर अपने करियर में बल्लेबाजी की है। अपने स्कूल डॉन बॉस्को हाई स्कूल के लिए खेलते हुए रवि शास्त्री ने अपनी क्रिकेटिंग जर्नी की शुरुआत की। 1977 में उनकी कैप्टनसी में डॉन बॉस्को हाई स्कूल ने सबसे पहली बार मुंबई की प्रसिद्ध स्कूल टूर्नामेंट गाय शील्ड जीती। 17 साल की उम्र में उन्हें रणजी ट्रॉफी के लिए बॉम्बे की टीम में चुना गया और उस वक्त वो बॉम्बे के लिए खेलने वाले यंगेस्ट क्रिकेटर बने। अपने दूसरे रणजी ट्रॉफी सीजन के दौरान जब वो कानपुर में उत्तर प्रदेश के खिलाफ खेल रहे थे तब भारत की टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर गई थी, लेकिन वो दौरा शुरू होने से पहले टीम में पहले से मौजूद बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज दिलीप दोषी चोटिल हो गए और उनकी जगह लेने के लिए रवि शास्त्री को भारत की टीम में चुना गया। और फिर 21 फरवरी 1981 को रवि शास्त्री ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए अपना डेब्यू किया। अपने पहले टेस्ट मैच की सेकेंड इनिंग्स में शास्त्री ने 4 बॉल्स में 3 विकेट चटकाए। सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच में उनके 7 विकेटों ने उन्हें उस मैच का मैन ऑफ द मैच बनाया। अपनी पहली टेस्ट सीरीज में 15 विकेट्स लेकर रवि शास्त्री उस सीरीज के हाईएस्ट विकेट टेकर बने। अपनी पहली सीरीज में दमदार प्रदर्शन से रवि शास्त्री ने काफ़ी लोगों को प्रभावित कर दिया था। अपने टेस्ट डेब्यू के सिर्फ 18 महीनों के भीतर रवि शास्त्री बैटिंग ऑर्डर में 10वें पोजीशन से उठकर ओपनिंग बल्लेबाज बन चुके थे। नियमित ओपनिंग बल्लेबाज प्रणव रॉय और गुलाम पार्कर की लगातार फेलियर की वजह से रवि शास्त्री को 1982 में इंग्लैंड के खिलाफ ओवल में सबसे पहली बार ओपनिंग करने के लिए कहा गया। उस मैच में 66 रन बनाकर उन्होंने खुद को एक काबिल ओपनर के तौर पर साबित किया। उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ कराची टेस्ट में उन्हें फिर से ओपनिंग करने की जिम्मेदारी दी गई। उस मैच में इमरान खान जैसे फास्ट बॉलर्स के विरुद्ध ओपनिंग करके शास्त्री ने अपना सबसे पहला टेस्ट शतक लगाया। फिर कुछ दिनों बाद उन्होंने एंटीगुआ में वेस्टइंडीज के खिलाफ भी एक शतक बनाया। ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर रवि शास्त्री की लगातार सफलता के चलते ऐसा मानने जाने लगा कि अगर शास्त्री को समय दिया जाए तो वो भारतीय टीम के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक बन सकते हैं। एक क्रिकेटर के तौर पर वो एक कॉन्फिडेंट और कंपेटिटिव क्रिकेटर थे। उन्हें अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा था। 1983 वर्ल्ड कप जीतने वाली इंग्लैंड टीम का भी वो हिस्सा थे। टेस्ट मैचेस के साथ साथ अब वनडे मैचेस में भी रवि शास्त्री ने रेगुलरली ओपनिंग करनी शुरू कर दी। उन्होंने अक्टूबर 1984 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 102 रन बनाए। शास्त्री का ये शतक भारत का वनडे में दूसरा शतक था। रवि शास्त्री की सफलता टेस्ट मैचेस में जारी रही। इंग्लैंड के खिलाफ बॉम्बे टेस्ट में विकेटकीपर सैयद किरमानी के साथ उनकी 235 रन की पार्टनरशिप ने इंडिया को जीत दिलाई। रवि शास्त्री ने उस मैच में शानदार 142 रन बनाए। फिर कोलकाता में खेले गए तीसरे टेस्ट में शास्त्री ने 357 बॉल्स और 455 मिनट्स में 111 रन बनाए। जब आखिरी दिन पर दूसरी पारी शुरू करने के लिए रवि शास्त्री ने ओपनिंग की तब वे टेस्ट मैच के सभी 5 दिनों में बल्लेबाजी करने वाले कुछ चुनिंदा बल्लेबाजों में से एक बन गए। एक बल्लेबाज के तौर पर उनमें विकेट पर लंबे समय तक डटे रहने की काबिलियत थी। खेल के प्रति उनका एटीट्यूड काफ़ी पॉजिटिव था और वो किसी भी तरह की चुनौती से पीछे नहीं हटते थे। इंडिया की 1985 वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट टूर्नामेंट जीत में रवि शास्त्री की अहम भूमिका रही थी। टूर्नामेंट में उनके 182 रन और 8 विकेट्स के लिए शास्त्री को मैन ऑफ द सीरीज चुना गया, जिसे इस टूर्नामेंट में चैंपियन ऑफ चैंपियंस कहा गया।
और इस तरह से रवि शास्त्री को चैंपियन ऑफ चैंपियंस का खिताब प्राप्त हुआ। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट टूर्नामेंट में अपने प्रदर्शन के चलते उन्होंने एक ऑडी 100 कार भी जीती, जिस पर लगने वाली भारी इंपोर्ट ड्यूटी को उस वक्त के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के विशेष आदेश से इंडियन कस्टम्स ने माफ कर दी थी। 2 हफ्तों बाद शारजा में खेले गए रॉथमन्स कप में रवि शास्त्री को पहली बार वाइस कैप्टन बनाया गया। 1987 रिलायंस वर्ल्ड कप में एक बल्लेबाज के तौर पर शास्त्री का प्रदर्शन निराशाजनक रहा, लेकिन उन्होंने मनिंदर सिंह, जो खुद एक बाएं हाथ के स्पिनर थे, उनके साथ एक सक्सेसफुल बॉलिंग पार्टनरशिप बनाई। इसके बाद वेस्टइंडीज के साथ घर पर होने वाली सीरीज से पहले कपिल देव को कप्तानी से हटाकर दिलीप वेंसरकर को नया कप्तान बनाया गया, लेकिन मद्रास में होने वाले तीसरे टेस्ट से पहले वेंसरकर चोटिल हो गए और रवि शास्त्री को पहली और इकलौती बार टेस्ट मैच में भारत की कप्तानी करने का मौका मिला और भारत ने ये मैच 255 रन के शानदार मार्जिन से जीता। 1989 के वेस्टइंडीज दौरे पर रवि शास्त्री ने अपने टेस्ट करियर की वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स खेली। ब्रिजटाउन में खेले गए दूसरे टेस्ट की पहली इनिंग्स में इंडिया 56 रन से ट्रेल कर रहा था और सेकेंड इनिंग्स में 63 रन पर 6 विकेट्स गंवा चुका था। रवि शास्त्री जो नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए थे, उन्होंने एक मुश्किल पिच पर मैल्कम मार्शल, कर्टली एम्ब्रोस, कोटनी वॉल्श और इयन बिशप जैसे फास्ट बॉलर्स का सामना करते हुए 107 रनों की शानदार इनिंग्स खेली, लेकिन फिर पाकिस्तान में खेली गई सीरीज में उनके निराशाजनक परफॉर्मेंस के बाद रवि शास्त्री को 1990 के न्यूजीलैंड टूर से ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन फिर उसी साल इंग्लैंड के टूर के लिए उन्हें वाइस कैप्टन के तौर पर फिर से टीम में लिया गया। उस टूर पर रवि शास्त्री ने 3 टेस्ट मैचेस में 200 बनाए, एक लॉर्ड्स में और एक ओवल में। अपने इस जबरदस्त फॉर्म को जारी रखते हुए ईरानी ट्रॉफी के मैच में उन्होंने 217 रन बनाए, जो कि उनके करियर का बेस्ट स्कोर बना। 1991 के एंड में इंडिया की टीम 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया के टूर पर गई थी। इस टूर पर सिडनी में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच में रवि शास्त्री ने अपने टेस्ट करियर का पहला दोहरा शतक लगाया। उन्होंने 17 चौके और 2 छक्कों की मदद से 206 रनों की शानदार और यादगार इनिंग्स खेली। उनका यह दोहरा शतक किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध बनाया गया पहला दोहरा शतक था और इसी इनिंग्स के दौरान रवि शास्त्री को सबसे पहली बार उस नी इंजरी का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से आगे जाकर उनका करियर खत्म हो गया। इसके बाद शास्त्री लगातार अपनी नी इंजरी और फॉर्म से जूझते रहे। 26 दिसंबर 1992 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला गया 4th टेस्ट मैच उनके करियर का आखिरी टेस्ट मैच साबित हुआ, क्योंकि इस सीरीज के बाद उनकी नी इंजरी फिर से लौट आई, जिसके बाद वो वापस कभी भी भारत के लिए नहीं खेल पाए। अपने 11 साल के इंटरनेशनल करियर में रवि शास्त्री ने भारत के लिए 80 टेस्ट मैचेस खेले और 3,830 रन्स बनाए, जिसमें 11 शतक और 12 अर्धशतक शामिल हैं। साथ ही में उन्होंने 151 विकेट्स भी लिए। 1985-86 के रणजी ट्रॉफी सीजन में मुंबई के लिए खेलते हुए बड़ौदा के विरुद्ध रवि शास्त्री ने 1 ओवर में 6 बॉल में 6 छक्के मारे थे और ऐसा करने वाले वो सबसे पहले भारतीय बल्लेबाज और गैरी सोबर्स के बाद दूसरे बल्लेबाज बने। इसी मैच में रवि शास्त्री ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट इतिहास का सबसे तेज दोहरा शतक लगाया। उन्होंने 123 बॉल और 113 मिनट में नॉट आउट 200 रन बनाए। साथ ही में उन्होंने एक इनिंग्स में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का कर्नल सी के नायडू का 58 ईयर्स पुराना इंडियन रिकॉर्ड भी तोड़ा। सो फ्रेंड्स, ये थी कहानी क्रिकेट के चैंपियन ऑफ चैंपियंस कहे जाने वाले रवि शास्त्री की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर देना। और क्रिकेट से रिलेटेड ऐसी और कहानियाँ जानने के लिए मेरे चैनल सुमित क्रिकेट ड्राइव को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।